हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब के झमेले। सो फाइनली आज हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियली आरंभ हो गया है, जिसकी मेजबानी उड़ीसा के दो प्रमुख शहर राउरकेला और भुवनेश्वर को दिया गया है। आज उड़ीसा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी ने हॉकी वर्ल्ड कप की ओरिजिनल ट्रॉफी को हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की सर के हाथों में सौंपते हुए वर्ल्ड कप की ग्रैंड सक्सेस होने की मनोकामना की है। दिलीप तिर्की सर हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट ने सीएम जी का आभार जताते हुए कहा, अब ये वर्ल्ड कप की ओरिजिनल ट्रॉफी 13 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में ले जाया जाएगा, जिससे हॉकी में रुचि रखने वालों को ओरिजिनल ट्रॉफी देखने का मौका मिलेगा और फैंस में उत्साह बढ़ेगा। अगले 21 दिनों तक ये ट्रॉफी वेस्ट बंगाल, मणिपुर, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में भ्रमण करने के बाद उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा। सुंदरगढ़ वही डिस्ट्रिक्ट है जिसे खिलाड़ियों का हब कहा जाता है। सुंदरगढ़ के लगभग 17 ब्लॉक्स में इस ट्रॉफी को ले जाया जाएगा, जिसका आखिरी पड़ाव रहेगा राउरकेला, जो कि एक होस्ट सिटी भी है, और राउरकेला में आने के बाद ट्रॉफी को वापस भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में सुरक्षित भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी से मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट है, क्रिकेट के अलावा हमें दूसरे स्पोर्ट का भी सपोर्ट करना चाहिए और हॉकी एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं। इस साल भारत में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है और हमारा बहुत अच्छा चांसेस है हॉकी का इस ये वर्ल्ड कप जीतने का, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए हॉकी वर्ल्ड कप जीतने में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए मैं डेली अपडेट्स करूँगा, डेली के डेली अपडेट करूँगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।